नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। हालांकि काफ़ी कॉमन टॉपिक है, हिस्ट्री की जब कभी भी बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप उसको स्पेसिफिकली NVS के एग्ज़ाम में या UPPGT के एग्ज़ाम में ही देखेंगे। हिस्ट्री एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर कहीं पर देखने को, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, चाहे UPSC तक की बात की जाए, वहां पर भी एक अच्छी खासी वेटेज आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बीट द कंपटीशन चैनल की बात करूं तो इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि हर रोज 10 बजे यहाँ से सीधा प्रसारण होगा, यानी लाइव टेलीकास्ट करेंगे हम लोग प्रत्येक टॉपिक के ऊपर, खासकर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं। उसके बाद धीरे धीरे हम हर टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए रहेगी वो है कि किस तरीके से आप PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे PDF की बहुत डिमांड करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप PDF को कलेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो वहां से आपको जो भी लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है उसकी PDF बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री को थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप सभी लोगों ने हिस्ट्री को कहीं ना कहीं छोटे स्वरूप में या बड़े स्वरूप में पढ़ने की कोशिश अवश्य की होगी। बिल्कुल वैसे ही आज एक हम प्रैक्टिस सेशन करने की कोशिश करेंगे, जहां पर आप चेक करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके की है और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को MCQs के माध्यम से और थोड़ा सा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर पूछिए कमेंट करके। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्रत्येक विद्यार्थी के कमेंट का जवाब दे सकें। तो सवाल शुरू करेंगे। पहले पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। सवाल आपसे ये कह रहा है कि द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था। काफी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हरप्पन में और मोहनजोदारो में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन इसका अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो पंजाब बिल्कुल नहीं होगा, तो पंजाब को हम यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। सिंध नहीं हो सकता, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो हरप्पा और मोहनजोदारो में से एक है। तो अगर मैं यहाँ पर सही उत्तर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी मैं आपका जो विकल्प है वो पढ़ देती हूँ। विकल्प ए बिल्कुल सही जो जवाब रहेगा यहाँ पर। और अगर मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि सिंधु घाटी की जो जड़ें हैं लगभग 6000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ जैसी संस्कृतियों में है। दो सबसे बड़े शहर, मेहरगढ़ ये वही जो है हरप्पन सिविलाइजेशन का सबसे पहला हम कह सकते हैं कि शहर के रूप में देखा जाता है। ग्रामीण सभ्यता के रूप में भी देखा जाता है, यानी रूरल सिविलाइजेशन के तौर पर, क्योंकि हड़प्पा एक यहाँ पर नगरीय सभ्यता के तौर पर देखी जाती है। और साथ में दो बड़े शहर, अगर मोहनजोदारो और हड़प्पा की बात की जाए तो 2600 से लेकर ईसा पूर्व पंजाब और सिंध नदी, यानी जो सिंधु नदी है, घाटी के साथ उभरे। तो ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर डेट की बात करती हूँ तो आप मान के चलिए कि हरप्पन सिविलाइजेशन का जो मेच्योर फेज था उसका एक्सटेंशन कुल मिलाकर 2650 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के तौर पर देखा जाता है। मैप यहाँ पर आप एक बार देख पाएंगे। मैप दिखाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो अच्छे से हो सके। आप देख पा रहे होंगे हरप्पा बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, सतलज है, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, जो काफी जरूरी है यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मोहनजोदारो बिल्कुल कोट डीजी के ऊपर नजर आ रहा होगा आपको। तो ये दो महत्वपूर्ण हरप्पन सिविलाइजेशन 2600 से लेके 1900 जो BC ईसा पूर्व तक का जो समय है, मेच्योर फेज में आप इसको देख पाएंगे। आगे चलेंगे सवाल नंबर दो की तरफ, जो आप क्वेश्चन नंबर टू आपको नजर आ रहा है, अजर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन आपके सामने, यानी कथन और कारक का। जब कभी भी आप कथन और कारक के सवालों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको इफ, बट या फिर बिकॉज जैसी शब्दावलियों का यूज करना है बीच में, और मिलान करते हुए कोशिश करेंगे कि आप सवाल का सही जवाब दे पाए। मैं सवाल पढ़ूंगी एक बार, आप कोशिश करें जल्द ही उत्तर देने की। कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों या सार्वजनिक पूजा स्थलों की उपस्थिति का कोई निर्णायक सबूत नहीं है।
यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई भी पब्लिक जो प्लेस है वहां पर आपको कोई टेम्पल या वर्शिप करने का कोई भी जो है एविडेंस नहीं मिला है, क्योंकि हड़प्पा वासियों के लिए धर्म शायद सार्वजनिक मामले की तुलना में एक व्यक्तिगत और निजी मामला था। यानी ये आवश्यक नहीं है कि आप एक मंदिर बना दें और सभी के सभी लोग एक मंदिर की पूजा करें। बिल्कुल, हड़प्पन सभ्यता को ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्तिगत और निजी है कि आपको जिसकी पूजा जब करनी है आप तब कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है कि भाई जो हमने मंदिर या जो कोई भगवान डिसाइड कर दिया है उसकी ही पूजा आपको करनी है। तो अगर मैं उत्तर की बात करती हूँ तो बिल्कुल सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो आप देख पा रहे होंगे। ए सही है, आर बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में 1,000 से अधिक शहर और बस्तियां शामिल थी। इन शहरों में सुव्यवस्थित अपशिष्ट जल निकासी व्यवस्था, कई बार ये फीचर्स के तौर पर या विशेषताओं के तौर पर सवाल आपसे पूछ लेता है। जल निकासी व्यवस्था, कचरा संग्रहण की प्रणाली, संभवतः यहाँ तक के सार्वजनिक अन्य भंडार और स्नानगर, जो आप सबको पता है कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा स्नानगर पाया गया है। यद्यपि बड़ी बड़ी दीवारें और गढ़ थे, फिर भी स्मारकों, महलों और मंदिरों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हड़प्पा की कलाकृतियों की एक रूपता मोहरों में, यानी जो सील्स ट्रेड करने के लिए हम यूज करते थे, बाट जो मेजरमेंट के लिए, बर्न ब्रिक्स के बहुत सारे एविडेंस हमें मिले हैं, विनियमित करने के लिए किसी प्रकार के अधिकार और शासन का सुझाव देती हैं। मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, जब हम डिटेल को हड़प्पन सिविलाइजेशन में एमसीक्यू से हटकर पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। सवाल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो आप देख पा रहे हैं। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन बाय इट्स व्हाट, कह रहे हैं कि समकालीन बतानी है आपको। हड़प्पन सभ्यता के साथ समकालीन सभ्यताओं से अलग है, कैसे अलग है? अगर जो समकालीन है वहां पर किस तरीके से इसमें अलगाव देखा जाता है? टाउन प्लानिंग में देखा जाता है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में, या फिर लार्ज एग्रीकल्चर सरप्लस में, यानी बड़े कृषि उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में, ये कह रहे हैं कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ आप मेसोपोटामिया को भी जोड़ते हैं, इजिप्टियन सिविलाइजेशन को भी आप जोड़कर देखते हैं, तो दोनों में क्या विशेषताएं हैं, या माफ कीजिएगा, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, समकालीन होने के बावजूद दोनों में क्या समानताएं हैं? तो मेसोपोटामिया और इजिप्टियन में कल्चर में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी हद तक तीनों में बेहतर रहा है। और बेहतर अगर की अगर मैं बात करूँ तो धोलावीरा, इसके साथ साथ हरप्पन से जो है आपका, और साथ में मोहनजोदाड़ो, ये तीन ऐसे मुख्य साइट्स रहेंगे आपके जहां पर आपको बहुत बेहतर जो है जल निकास प्रणाली देखने को मिलेगी। ये सवाल एक बार पूछा जा चुका है आपके लिए। उत्तर जो है वैसे मैं पढ़ देती हूँ जो महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी पढ़ पाएंगे। जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं वो यहाँ पर मैं इंडिकेट करूंगी। सबसे पहली बात कि यहाँ पर शहरी सभ्यता को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, जल निकास प्रणाली जो थी काफी बेहतर थी, बंद भी थी और बेहतर भी थी। तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो है हर गली में ईंटों से ढककर नालियों को रखा जाता था। नंबर 4 जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी के लोग भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी और समकालीन सभ्यता ने स्वच्छता पर इतना ध्यान नहीं दिया था। बाकी जो सिविलाइजेशन थी उनका ध्यान यहाँ पर नहीं था। ये आप देख पा रहे होंगे कालीबंगा, राखीगढ़ी और लोथल और साथ में धोलावीरा के 3-4 जो दृश्य हैं आप देख पा रहे होंगे। हालांकि ये तो प्रेजेंट सिनेरियो की नालियां आपको दिखाई गई हैं, लेकिन जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को काफी करीब से देखेंगे तो आप देखेंगे कि नालियों को इस तरीके से ढक कर रखने की प्रवृत्ति रखी गई थी ताकि कि स्वच्छता का जो है ध्यान यहाँ पर रखा जाए। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। आप सबको पता है कि गुजरात से काफी महत्वपूर्ण साइट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे हम धोलावीरा की बात करें, लोथल की बात करें, रण ऑफ कच्छ की बात करें। तो यहाँ पर खैर मैंने 2-3 नाम इंपॉर्टेंट गिनवाए हैं जो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, लेकिन ऑप्शंस को देखेंगे तो सुरकोतड़ा है, रंगपुर है, सुदकांगेडोर है और देसलपुर है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है। देसलपुर से सवाल एक बार आपका आ चुका है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूँ, सुदकांगेडोर ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है,
पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो सुतकांगे दौर है वो आपका सिंधु घाटी के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर मैं मैप की बात करूं तो आप ये देख पा रहे होंगे पूरे, अगर हिंद ये आपका नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, ये आपका साउथ वाला पार्ट है, ये आपका ईस्ट है और ये है आपका वेस्ट। तो यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है यहाँ से ये वाला, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पार्ट हिंदुस्तान में, कुछ पार्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी सिमिलरली यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान गुजरात वाला, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। तो पश्चिमी भाग में है सुतकांगे डोर, कराची से लगभग 440 किलोमीटर की अगर बात की जाती है तो वहां पर स्थित है। मकराना तट पर गवदार के पास है, ईरानी सीमा के करीब है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है ये। और ये जो स्थल है वो दशत नदी के पश्चिमी तट के पास है, यानी कि जो सुतकांगे डोर है और कहाँ पर स्थित है ये पश्चिमी भाग में, बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है, और साथ में यहाँ पर दशत नदी के ऊपर ये बसा हुआ है पश्चिमी तट के पास, और इस छोटी धारा के साथ इसका संगम होता है, यानी कि जो नदी होती है यहाँ पर आकर मिल जाती है, जिसे गाजो कौर के नाम से जाना जाता है। यह पर्याप्त जो है पत्थर की दीवारों और प्रवेश द्वारों के साथ एक छोटी बस्ती है, छोटी सी बस्ती बनी है। ये मैप आप भी देख पा रहे होंगे सुतकांगे डोर की, हम इसी की हम बात कर रहे हैं, स्टार मार्क में यहाँ पर कर रही हूँ जो मैप मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर इस मैप को मैं बीचों बीच अगर थोड़ा सा काटने की कोशिश करूं तो ये वाला जो पार्ट है आपका यहाँ से, ये कहीं ना कहीं आज के जो वर्तमान हिंदुस्तान की दृश्य को प्रदर्शित करता है। ये आप देख पा रहे होंगे ये पूरा नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, यानी कि उत्तर और पश्चिमी पार्ट रहेगा आपका, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका कंप्लीटली वेस्ट वाला पार्ट, और ये रहेगा आपका साउथ। तो हमने कहा कि भाई पश्चिमी भाग में है यहाँ पर है, ठीक है, तो इसी की बात यहाँ पर सुतकांगे दौर की जा रही है जो आप देख पा रहे हैं। सुतकोडदा ये गुजरात में है, लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, सवाल में ये कह रहे हैं कि गुजरात का पार्ट नहीं है, ठीक है, सवाल देख लेते हैं तो कौन सा है। सुतकांगे दौर यहाँ पर नहीं रहेगा, सुतकोडदा भी है कहाँ गुजरात में, रंगपुर भी है, देसलपुर भी है, इसके अलावा धोलावीरा भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा लोथल, जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, दो महत्वपूर्ण साइट्स रहेंगी हरप्पन सिविलाइजेशन की, ये मैप जो आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, आपसे कह रहे हैं कि विच वॉज ओनली इंडस साइट, यानी कि कौन सी ऐसी सिंधु स्थल है जहां पर कृत्रिम ईंट गोदी वाला एकमात्र स्थल है यहाँ पर, यानी आर्टिफिशियल ब्रिक्स डॉकयार्ड की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कालीबंगा राजस्थान में, हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में, बसता कौन है, लोथल। तो लोथल जो है यहाँ पर डॉकयार्ड है, गोदी का काम करता है। जो है एक्सप्लेनेशन से में जाने से पहले आप गुजरात का ये एनिमेटेड पिक्चर यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, आप ये देख पा रहे होंगे कि जो बर्नट ब्रिक्स हैं चारों तरफ से इसको घेरा गया है लोथल को, ठीक है। और लोथल है कहाँ, लोथल की जब हम बात करेंगे तो ये रहा आपका लोथल, ठीक है, यहाँ पर सुतकोडदा के बिल्कुल पास में यहाँ पर लोथल है आपका, ठीक है, गल्फ ऑफ खम्बात के बिल्कुल पास में है। तो क्योंकि भाई बिल्कुल यहाँ पर समुद्र के किनारे बसा हुआ है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है अरेबियन सी के पास भी नजदीक पड़ रहा है, तो व्यापार करना काफी हद तक हमारे लिए आसान काम हो गया यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि लोथल जो है यहाँ पर चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ घेरा गया है, दोनों तरफ समुद्र है, आप नाव देख सकते हैं, यहाँ पर जल निकास का प्रबंध भी किया गया है कि पानी रुके ना लंबे समय तक। ये अनाज की सारी गोदियां हैं जो आप देख पा रहे हैं, जहां पर बहुत आसानी से अनाज को लाया जाता है, लोड किया जाता है, और बड़े आसानी से इजिप्ट से लेके मेसोपोटामिया तक और बाकी देशों तक जो है व्यापार यहाँ पर किया जाता है। और अगर यहाँ पर बात की जाती है जो आप ये देख पा रहे हैं, हाँ, लोथल वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये जो आपका काफी हद तक महत्वपूर्ण सगर वाला जो के पास बिल्कुल लोकेटेड है वहीं पर, और मेन करंट टू अवॉइड डिस्पोजिशन ऑफ सिल्ट, यानी आप देखेंगे कि गाद के जमाव से बचने के लिए, जो इमेज मैंने आपको दिखाई है अभी अभी ये वाली इमेज, गाद से बचने के लिए बहुत आसानी से यहाँ पर पानी का निकास जो है सुनिश्चित किया गया है। और यहाँ पर इफेक्ट जो रहा ब्रिक्स का, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है
और कहीं ना कहीं दीवारें जो है भट्ठे में जली हुई ईंटों की हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो एक महत्वपूर्ण जो है आपका एक्सप्लेनेशन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हॉर्स सेक्रीफाइसेस वाज नोन टू देम, पहली बात। तो हॉर्सेस का सेक्रीफाइसेस आकर कहाँ पर बनता है आपका, लेटर वैदिक फेज में, तो इसको हमने डिलीट कर दिया। काउ वाज सेक्रेट टू देम, बिल्कुल, अगर आप काउ की बात करते हैं तो बहुत सारी सील्स पर आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ऑप्शन में रखते हैं। पशुपति वाज वेनेरेटेड बाय देम, पहली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पशुपति का जो इमेज है आप ये देख पा रहे हैं सील्स के ऊपर। एंड द कल्चर वाज जनरली स्टैटिक, यानी कि स्थिर था, बिल्कुल स्थिर नहीं था, ठीक है। कल्चर क्या है, परिवर्तित होते रहता है, तो कल्चर की बात हो रही है। अगर यहाँ पर सिविलाइजेशन होता तो शायद ये सही हो सकता था। सिविलाइजेशन क्या है, टाइम के बाद खत्म हो जाती है, ठीक है। तो काउ वाज सेक्रेट टू देम, लेकिन हरप्पन सिविलाइजेशन में काउ की तो बात हम करते हैं, सील्स पर आपको हम्प्ड बुल्स की जो इमेजेस है देखने को मिलती हैं। काउ जो है अर्ली वैदिक में खास तौर पर और लेटर वैदिक में जाते जाते काफी महत्वपूर्ण होती नजर आती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पशुपति वाज वेनेरेटेड बाय देम, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। पशुपति की जो सील है जो आपको याद रखना है, पशुपति सील एक यहाँ पर स्टिलाइट मोहर के तौर पर देखी जाती है, यानी सील्स के ऊपर इसको लगाया जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो पुरातात्विक स्थल पर खोजा गया था सबसे पहली बार इसको। आकृति को दर्शाया गया मोहर के ऊपर, जो मैंने आपको एक पुरानी इमेज यहाँ पर दिखाई है, पशुपति की इमेज को आप देख पा रहे हैं, जो संभवतः ट्राइसेफेलिन यानी तीन सिर वाले और इसके साथ साथ ही इथिफेलिक माना जाता है, एक ऐसी व्याख्या जिसे अब ज्यादातर खारिज कर दिया गया है, ठीक है। ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, तीन सिर वाला पशुपति के तौर पर इनको देखा जाता है। सवाल नंबर 7 की तरफ अगर बढ़ेंगे, तो हड़प्पन वासियों का जो उपयोग नहीं जानते, किसका उपयोग नहीं जानते, कॉपर का जानते थे, ब्रॉन्ज का जानते थे, तो कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के तौर पर देखा जाता रहा। गोल्ड, बिल्कुल, महिलाएं और पुरुष दोनों गोल्ड पहनने के शौकीन थे। आयरन की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अगर आयरन यहाँ पर होता, आयरन कब बनता है जाकर, कहीं ना कहीं जाकर लेटर वैदिक फेज में जब जनपद महाजनपद की बात होती है तब आयरन आपको देखने को मिलता है, लोहा देखने को मिलता है, जब गंगा के मैदानों को साफ करके खेती की बात यहाँ पर की जाती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर बिल्कुल होती थी, लकड़ी के हल चलाए जाते थे, क्यों चलाए जाते थे, क्योंकि मिट्टी काफी सॉफ्ट थी, सिंधु नदी के किनारे 5 नदियों से घिरी हुई थी, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरन वॉज नॉट यूज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही कहा आपने। और चाल्कोलिथिक पीरियड जो है यहाँ पर आफ्टर द स्टोन एज, कहीं ना कहीं उसके बाद ये माना जाता है। तो चाल्कोलिथिक पीरियड जो है कॉपर वॉज फर्स्ट यूज टू मेक टूल्स यूटेंसिल्स एंड अदर सब्जेक्ट्स, तो आप देखेंगे कि हरप्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहले जो बर्तन भी बनाया गया वहां पर ताम्र यानी तांबे के जो बर्तन होते हैं उनको जो है आपस में मिला करके बनाया गया था, लोहे का अवशेष देखने को नहीं मिलता। सवाल नंबर 8 की तरफ चलेंगे, मोहनजोदाड़ो में पाई जाने वाली मोहरों डैश में समानताएं हैं, कहाँ कहाँ समानताएं हैं, जब हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे या मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे, तो इजिप्टियन और मेसोपोटामियन ये दोनों समकालीन रहीं, दोनों साथ साथ आगे बढ़ी। तो इजिप्ट की बात करेंगे, सुमेरियन, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है बिल्कुल ये हरप्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो का ही पार्ट रहा, तो डी को हम हटा देंगे। इन्होंने सिमिलैरिटीज की बात की तो हम इजिप्ट, चाइना, सुमेरियन को देखेंगे एक बार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सुमेरियन की यहाँ पर बात की जा रही है, मोहनजोदाड़ो में पाई जाने वाली मोहरों और सुमेरियन में समानताएं थी, ठीक है। तो देख लेते हैं, कह रहे हैं कि विकल्प सी बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि मोहनजोदाड़ो की एक मोहर में आधा मानव, अगर आपको ध्यान में है तो प्रीस्ट की जो एक यहाँ पर स्टेचू का बहुत बार आपने देखी होगी, आधा भैंसा राक्षस के एक बांग बांग बाघ पर हमला करता हुआ दिखाई देता है। एक प्राचीन मेसोपोटामियन महाकाव्य कविता के नायक गिलगमेश से लड़ने के लिए अरु सुमेरियन पृथ्वी और प्रजनन देवी द्वारा बनाए गए राक्षस और सुमेरियन मिथक का संदर्भ हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी मेसोपोटामिया में एक महाकाव्य एपिक बहुत फेमस था, कविता का नायक गिलगमेश था, लड़ने के लिए अरु सुमेरियन पृथ्वी और प्रजनन देवी द्वारा बनाए गए राक्षस के सुमेरियन मिथक का, यानी दोनों से मिलकर देवी जो पृथ्वी की देवी थी और साथ में सुमेरियन पृथ्वी दोनों से मिलकर यहाँ पर जो है सुमेरियन मिथक का एक संदर्भ बाहर निकल कर आता है, और हड़प्पन संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक और सुझाव भी यहाँ पर
देखने को मिलता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे सारे अभी तक के स्क्रिप्ट है जो अभी तक डिसफर्ड नहीं है, पढ़ी नहीं जा चुकी है। हम डबुल के बारे में बिल्कुल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम डबुल का एविडेंस है। तो जाहिर सी बात है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होती है। एग्रीकल्चर है तो बेसिक सी बात है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोगों का मुख्य काम क्या था, खेती करना, और उसी के बलबूते पर वो वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देते थे। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, काफी बेहतर पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। ये जो पिक्चर है ये कॉटन की है, ठीक है, कपास जिससे आप कपड़ा बनाते हैं, सूती का कपड़ा जो बनता है। सबसे पहले उत्पादन करने वाले लोग थे ये आपको बताना है हड़प्पन में। तो सेल्स इसका जो एविडेंस है कहाँ पर मिलता है, ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंटेशन, कॉटन या बार्ले? तो कॉटन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सबसे पहले इन्होंने प्रोड्यूस भी किया। तो एक बार अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कह रहे हैं कि सिंधु घाटी के किसान सबसे पहले कपास की कताई और बुनाई करते थे। 1929 में सबसे पहली बार पुरातत्वविदों ने 3,250 से 2,750 यानी ऑलमोस्ट जो टाइम पीरियड दोनों का मिला दिया जाए तो 100 सालों का टाइम पीरियड, मोहनजोदाड़ो जो पाकिस्तान में है, सूती वस्त्रों के टुकड़े बरामद किए। और यहाँ पर बिनौला, बिनौला जो होता है आपने देखा होगा कि कपास, अगर आपने देखे हो कच्ची कपास जो खेतों में खड़ी होती है उसके ऊपर कुछ इस शेप में छोटे छोटे दाने से बने होते हैं जिसमें एग्जैक्टली कपास होती है और उसी से कपास बनता है, उसको बिनौला बोला जाता है। 5,000 ईसा पूर्व के हैं। साहित्यिक संदर्भ आगे महाद्वीप के कपास उद्योग की प्राचीन प्रकृति को इशारा करते हैं, यानी कि आप मान पाएंगे कि भाई कॉटन जो है आज का एग्जिस्टेंस नहीं है, बहुत पुराने समय से है। और इसके साथ साथ 1500 से लेके 2000 यानी अगर मैं चली जाऊं लेटर वैदिक फेज में, ठीक है, यहाँ पर रचित वैदिक ग्रंथ कपास की कताई और बुनाई का संकेत देते हैं। तो आप मान के चलिए कि कैसे कनेक्टिविटी है कि सभ्यता संस्कृति आपस में जुड़ी हुई है। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे आगे, जो आप देख पा रहे हैं एक काफी बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में और एग्जामिनेशंस में। कह रहे हैं कि यहाँ पर हड़प्पा स्थल का उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, राहुल दास बनर्जी, के थापर या मैके? तो ये आपको बताना है। मैके थापर नहीं है, दयाराम साहनी या राहुल दास बनर्जी के बीच में आप देख पाएंगे। इसमें से एक ने हड़प्पन को एक्सकवेट किया है, खोदा है, और साथ में एक ने मोहनजोदाड़ो को, तो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ हड़प्पा की तो जाहिर सी बात है कि इसका सही जवाब 1920 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसको एक्सकवेट किया था, यानी इसकी खुदाई संपन्न शुरू की 1920 में। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर बात की जाती है दयाराम साहनी जी की तो इन्होंने मोहनजोदारो को कहीं ना कहीं एक्सकवेट किया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये आप इमेज देख पाएंगे जो काफी इम्पोर्टेंट है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रही, ठीक है, ये आर डी बनर्जी साहब की स्क्रीन के ऊपर इमेज है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के काफी महत्वपूर्ण पिक्चर्स आप देख पा रहे होंगे टाउन प्लानिंग के बारे में, और ये प्रीस्ट की जो हम बार बार बात कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। विच इंडस सिविलाइजेशन साइट द डॉकयार्ड वॉज फाउंड? तो जाहिर सी बात है कि लोथल जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। यहाँ पर रोपड़, कालीबंगा, बनावली, ये तीनों नहीं है, ठीक है। रोपड़ यहाँ पर बिल्कुल हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे है, कालीबंगा राजस्थान में, और बनावली चला जाएगा हरियाणा में। तो यहाँ पर 1920 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी खुदाई। आप देख पाएंगे कि लोथल के पास दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात गोदी था जो शहर के सिंध के हड़प्पा शहर और सौराष्ट्र जिसे आज वर्तमान में गुजरात बोला जाता है, साबरमती, ये वही साबरमती है जहां पर गांधी जी ने पैदल यात्रा की, नमक कानून तोड़ा, आस पास का जो कच्छ का क्षेत्र है अरब सागर का हिस्सा हुआ करता था। ये काफी बेहतर पिक्चर जो आप देख पा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट की, तो भोगवा रिवर के पास है। ये सवाल यूपी पीसीएस में इस साल पूछा गया था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
डॉकयार्ड कह लीजिए, गोदी कह लीजिए, पोर्ट कह लीजिए, बंदरगाह कह लीजिए, लोथल कह लीजिए, गुजरात कह लीजिए, सौराष्ट्र कह लीजिए, ये सारे मिलते जुलते आसपास सारे के सारे नाम है। तो ये सारे के सारे नाम जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे आपके, और मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक सवाल में आपको बेहतर उत्तर देते हुए आगे बढ़ूं, संक्षिप्त में बताते हुए, वर्णन करते हुए। इसके अलावा इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जिन बच्चों को नहीं मिल पा रही है, हमारा चैनल बीट द कॉम्पिटिशन, ये लोगो आपको दिख रहा होगा, बीट द कॉम्पिटिशन, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा साथ में, ताकि कि आपको हर तरह की नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाए। और इसके साथ साथ डेली बेसिस पर हम रोज मिलेंगे सुबह बिल्कुल 10 बजे, और हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। बाकी आपका भी जो विचार है, कमेंट है, बिल्कुल दीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और यकीन मानिए, ये वीडियोस काफी हद तक न सिर्फ आपको सहायता देंगी, बल्कि बहुत हद तक हिस्ट्री का जो पेपर है वो क्वालिफाई कराने में आपको मदद भी करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो कल मिलेंगे सुबह 10 बजे, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बच्चे जुड़ पाए, और इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।